हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं एक और नई एक्सपेरिमेंट वीडियो लेकर। तो आज हम इस बैटरी से जलने वाली 12 वोल्ट की एलईडी को डायरेक्ट प्लग में लगा देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये 84 बल्ब की एलईडी है, तो जो भी होगा आपके सामने होगा। तो आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप ऐसा घर पर या कहीं भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो हम जो भी करते हैं पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं, तो आप ऐसा कहीं भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो हमारे पास ये एलईडी आप देख सकते हैं 84 बल्ब की है, ये अच्छी वाली आती तानाशाह की। तो आप देख सकते हैं इसको हम डायरेक्ट प्लग में लगा देंगे। तो पहले मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। हमारे पास क्या छोटी वाली बैटरी नहीं है, इस चक्कर में मुझे बड़ी से लगाना पड़ रहा है। पूरी सही एलईडी है बिल्कुल। तो दोस्तों एक बार चेक करवा देता हूँ, ये देखिए मैंने ये लगा दिए। तो आपने देख लिया कि ये बिल्कुल सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, कपड़ा वगैरह हटा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हम डायरेक्ट प्लग में लगाएं तो हो सकता है चिंगारी वगैरह निकले, उस वजह से कुछ भी हो सकता है। पहले कपड़ा वगैरह हटा लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ हटा लिया है और मैंने क्या कहते हैं सेटिंग भी कर ली है। ये देखिए इसमें मैंने प्लग लगा लिया है, इसको हम डायरेक्ट इसमें लगाएं। पहले मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ इस फंटी को फिर से, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। ये देखिए गलत तार लग गए, एक मिनट हो जाए। ये देखिए नीचे फंटी जल गई है, खींच दिया है, ठीक है ये जल चुकी है ढंग से। तो पहले हम इन तार को खींच देते हैं, बस आपको चेक करवाना था एक बार। आप देख सकते हैं इसमें 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, ये इंडिकेटर भी इसी से जल रहा है, ये नॉर्मल बैटरी से नहीं जल पाएगा इंडिकेटर। मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। देखिए इससे चेक कराऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट से जलती है। देखिए अभी ऑफ है, देखिए दोस्तों मैं देखिए नीचे से देखिए चालू करूंगा ना, यहाँ से स्विच चालू हो जाएगी। एक मिनट देखिए, आपने देख लिया कि इसी से जल रही है, समझ सकते हैं इसमें डायरेक्ट करंट ही आ रहा है। इसको खींच देता हूँ। तो अब हम इसमें लगाएंगे डायरेक्ट फंटी मतलब एलईडी, फिर देखते हैं क्या होता है। हमारे क्या इसको फंटी बोलते हैं। अब हम इसमें ये वाला लगाने वाले हैं, थाम के बैठे हैं कि क्या होने वाला है। पहले मैं इसका स्विच ऑफ कर देता हूँ दोस्तों। मैं क्या ना इसको यहाँ से चालू नहीं करूँगा, पहले मैं इसको क्या नीचे से चालू करूँगा, पहले मैं नीचे से ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं वहीं से चालू करूँगा। देखिए यहाँ देखिए करंट है ना, वो यहाँ से आ रहा है। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखिए लाइट भी बंद हो चुकी है इस वजह से, यहाँ पर लाइट लगी हुई थी, ये देखिए बंद हो चुकी है। पहले अब मैं इसको चालू कर देता हूँ, आप देख सकते हैं अभी देखिए बिल्कुल लगी हुई है अच्छे तरीके से। तो बस अब मैं जैसे मैं चालू करूँगा तो इसमें फटाक धमाका होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो देखते रहना दिल थाम के, बस अब चालू चालू करना है। तो देखिए हम चालू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जा चुकी है, आपने देखा होगा। एक मिनट ये कॉल करता हूँ, मुझे लगता है खराब हो चुकी है अच्छे तरीके से। दोस्तों अब कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तीन चार बार चालू कर लिए। देखिए पहले मैं खींच लेता हूँ उसको एक बार, एक मिनट ये पहले मैं ऑफ कर लूँ उसको, उसमें डायरेक्ट करंट आ रहा हुआ। फिर दोस्तों हमने खींच लिए, अब आप यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए हर जगह देखिए निशान बन गया, ये ब्लैक ब्लैक, ये देखिए पहले ये निशान नहीं थे बिल्कुल भी, ये देखिए सब जगह मतलब जितनी भी एलईडी है सब पे ब्लैक ब्लैक निशान बन चुके हैं। बस एक हाथ दो पे रहेगा, इस पर नहीं हुआ, इस पर नहीं हुआ, बाकी ज़्यादातर यानी कि 90% पे निशान बन चुके हैं। तो पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि सही है कि नहीं, मेरे हिसाब से ख़राब है 100%। चेक कर लेते हैं एक बार डायरेक्ट लगाकर, एक मिनट हो जाएगी। तो आपने देख लिया कि क्या होता है फंटी को जब हम डायरेक्ट लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं तार ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इसमें तार पहले प्लस कर लें, क्या वो उसके तार बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपने देखा होगा जैसे हमने पहली बार में तो मतलब आवाज़ आई थी चट चट, दूसरी बार में कुछ आवाज़ नहीं आई। पहले मैं इसको छीन ली एक बार। तो दोस्तों देखिए मैंने ये जोड़ लिए, बस अब हमें लगाना है बैटरी में। मेरे हिसाब से जलेगी तो एक हाथ दो वो जलेगी, देखते हैं कि क्या होता है। फंटी गर्म हो गई थी शुरुआत में, दोस्तों देख सकते हैं ख़राब हो चुकी है अच्छे तरीके से। देखिए मैं आपको पहले चेक करवा देता हूँ एक बार, ये प्लस का है लाल यहाँ। हाँ दोस्तों भाई प्लस में लगा है और ये माइनस में लगा है। तो दोस्तों खराब हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं जल रही है अब, तो बिल्कुल भी नहीं जल रही। ये देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने देखिए तार लगा दिए दोनों के दोनों, देखिए एक कुत्ता लगा है और एक तार लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जल रही है, तो ये खराब हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आपने देख लिया आज की मतलब क्या होता है जब हम फंटी को मतलब एलईडी को डायरेक्ट लाइट में लगा देते हैं। तो मेरे पास और भी एलईडी है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक और एलईडी है हमारे पास, इसको देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए इसी में, ये देखिए दोस्तों देखिए जल रही है अच्छे तरीके से। तो आपने देख लिया कि खराब हो चुकी है बिल्कुल एलईडी। तो आप ऐसा बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों आपने देख लिया कि क्या होता है जब हम एलईडी को डायरेक्ट लाइट में लगाते हैं, तो हमारा नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों आपका इतना हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे चल के इस और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे आपका एंटरटेनमेंट करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।